हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 12 तक हमने क्या पढ़ा था कि हम नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं निकाल सकते। भाई हमने सही बात है कि हम नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं निकाल सकते, लेकिन वो केवल तभी पॉसिबल है जब हम रियल नंबर्स का डिस्कस कर रहे हैं, रियल नंबर्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिस्कस करेंगे, तो हम वहां पर नेगेटिव नंबर्स का लॉग हम निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लॉग हम निकाल सकते हैं। और जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए हम नेगेटिव नंबर्स का लॉग हम तभी निकाल पाएंगे जब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। रियल नंबर्स के लिए क्लास 12 तक हम नहीं निकाल सकते थे, राइट? इतना आपको समझना होगा, राइट? तो हमारा क्या टॉपिक है? लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और सारे नेगेटिव नंबर्स कैसे होते हैं? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, राइट? देखिए, सबसे पहले हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। किसी भी नंबर को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे, किस प्रकार हम करते हैं? लेकिन कुछ हमारे स्टैंडर्ड हमारे रिजल्ट होते हैं जिनको हम इजीली डायरेक्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। किस प्रकार? देखिए, इस प्रकार अगर मान लीजिए हम बात करते हैं 1 की, 1 को हम भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखेंगे? -1 को हम क्या लिखेंगे? 0 को हम क्या लिखेंगे? i को हम क्या लिखेंगे? और -i को हम क्या लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में? ये हमें थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले हम जाएंगे एक्स वाई प्लेन में। भाई हम एक्स वाई प्लेन में हम जानते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है? y एक्सिस, राइट? एक्स एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। क्लियर दिख रहा है? इसको जरा देख लेते हैं वीडियो में, क्लियर दिख रहा है अभी हमारा ये? तो ठीक है, दिख रहा है। देखिए, अब आपको समझना क्या है, नेक्स्ट आपको ध्यान के देना है यहाँ पर कि 1 के लिए हमारा आर्ग्यूमेंट कितना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, आर्ग्यूमेंट का वैल्यू कितना होगा, आर्ग्यूमेंट हमें फाइंड करना है। तो मान लीजिए 1 आपका यहाँ पर है, -1 यहाँ आएगा, -1 ये हमारा आई है। आई का मीनिंग क्या? देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1+0i। इसको हम क्या लिखेंगे? -1+0i। इसको हम क्या लिखेंगे? 0+i। और इसको हम क्या लिखेंगे? 0, -i। इसका मीनिंग क्या? ये पॉइंट कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस पर। ये कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस पर, लेकिन ओरिजिन से लेफ्ट, ये ओरिजिन के राइट। आई ओरिजिन से अप ऊपर की तरफ आएगा और -i नीचे की तरफ। ये हमारा हो जाएगा आई, और ये कितना हो गया? -i। अब जरा हम आर्ग्यूमेंट हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। इसके लिए थीटा कितना होगा अभी हमारा? थीटा कितना हुआ? 0। इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज e to the power i 0। और इसको हम क्या लिखेंगे? ये हम लिखते हैं इसको किससे भाई? इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, पहले आपको लिख के दिखाते हैं, cos 0 + i sin 0, है ना? और फिर हमने डायरेक्ट लिख दिया यूलर्स थ्योरम से। यूलर्स थ्योरम हमारी क्या है? यूलर्स थ्योरम हमारी ये कहती है भाई, cos θ + i sin θ इज इक्वल टू होता है e to the power i θ। ये है हमारे क्या? यूलर्स थ्योरम। ये हमें मालूम होना चाहिए। तो हमको इसको क्या लिखेंगे? e to the power i 0, या फिर 0i, राइट? -1 के लिए हम कितना मूव होंगे? थीटा कितना है हमारा? पाई। कितना है? पाई। इसका मीनिंग क्या है? cos π + i sin π। और भाई यूलर्स थ्योरम से इसको हम क्या लिखेंगे? e to the power i π। सेम हम इसको क्या लिखेंगे भाई? आई के लिए कितना मूव होंगे हम? π/2। तो इसको हम लिखेंगे cos π/2 + i sin π/2। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिख लेंगे e to the power i π/2। और सेम हम लिखेंगे -i को, इसको हम लिखेंगे 0 - i, मीन्स cos -π/2 + i sin -π/2। इसका मीनिंग क्या है? इसको हम यूलर्स थ्योरम से हम इसको लिखेंगे e to the power - π/2i और i π/2। ये सब हमें मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया, फिर हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। इस l का मीनिंग बता देता हूँ, जनरल इसके इस l का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा स्मॉल l है, तो हमें केवल वैल्यू फाइंड करना है। और जैसे ही हमारा कैपिटल l आ जाएगा भाई, स्मॉल l का मीनिंग होता है, स्मॉल l मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू, कैपिटल l मीन्स जनरल वैल्यू। और जनरल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 2n πi ऐड कर देते हैं, 2n πi। तो पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, मीन्स log ऑफ -5 का वैल्यू हम निकालेंगे, बाद में इसको हम जनरल में कन्वर्ट कर देंगे। किस प्रकार? देखो, इसको मैं लिखूंगा log 5 - 1। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि -1 कितना होता है? e to the power i π, राइट? तो इसको मैं लिख दूंगा log
5 ई टू दी पावर आई पाई, राइट। इसको हम ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक कर देंगे कितना मिलेगा हमको, कॉस लॉग 5 प्लस लॉग ऑफ ई टू दी पावर आई पाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल जाएगा हमको लॉग 5 प्लस ये हमें कितना मिल जाएगा आई पाई, राइट। अब हमको फाइंड करना है जनरल वैल्यू, कैपिटल एल मीन्स जनरल वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग ऑफ माइनस 5 इज इक्वल्स टू लॉग 5 प्लस आई पाई प्लस का 2n पाई आई, यहां से हम आई हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा लॉग ऑफ माइनस 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5 प्लस पाई और 2n पाई प्लस पाई ऑफ आई। यही हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, राइट। सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है हमारे, बहुत ही बढ़िया हमको टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में हमको मिल सकते हैं, और नहीं मिलेंगे तो बीएससी में आप इनको पढ़ेंगे, राइट। बीएससी अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको मिल सकते हैं, राइट। देखिए सेकंड वाला क्या, लॉग आई, इसका भी जनरल वैल्यू निकालना, बाद में कन्वर्ट कर देंगे। लॉग आई, आई कितना हमारा भाई, आई है ई टू दी पावर आई पाई बाई टू, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ ई टू दी पावर आई पाई बाई टू, ये कितना हो जाएगा आई पाई बाई टू, राइट। ये हो गया ई टू दी पावर आई पाई बाई टू मीन्स आई पाई बाई टू, और जनरल में कन्वर्ट करना है तो जनरल मीन्स लॉग ऑफ आई, जनरल बोला ना, जनरल इसका मतलब कैपिटल एल कर देंगे, इस प्रकार हम डिनोट करते हैं आई पाई बाई टू प्लस टू एन पाई आई, तो ये हमें मिल जाएगा कैपिटल एल लॉग ऑफ आई इज इक्वल, यहाँ से क्या होने लेंगे क्या, वन बाई टू को मान लेंगे, तो यहाँ 4n हो जाएगा मीन्स 4n, यहाँ से प्लस का 1 और पाई आई हमने कॉमन ले लिया। ध्यान से देखेंगे आप इसको, ध्यान से देखेंगे तभी तो आप इसको समझ पाएंगे। ये हमारा आ गया आंसर, किसका, सेकंड वाले का रिजल्ट हमें मिल गया, आंसर नंबर 2, राइट। आंसर नंबर 3 आई, ध्यान समझिएगा, सॉरी माइनस आई, क्या है माइनस आई, तो लॉग ऑफ माइनस आई मीन्स, अच्छा कैपिटल डायरेक्ट किस प्रकार निकालेंगे, डायरेक्ट अगर हमें निकालना तो किस प्रकार निकालेंगे, पहले से पहले ही हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे, इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं, कैसे, लॉग आई है ना, इसको आप लिखिए लॉग आई प्लस 2n पाई आई इसमें ऐड कर दो, राइट। तो ये हमने जनरल को प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर लिया, 2n पाई आई ऐड कर दिया हमने, राइट। और आई कितना है हमारा, आई है हमारा कितना ई टू द पावर, सॉरी माइनस आई है भाई, कितना माइनस आई के लिए कर रहे हैं ना, थर्ड वाले के लिए, तो ये हमारा ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई टू, ई टू द पावर माइनस पाई बाई टू आई, और प्लस का 2n पाई आई, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, लॉग ऑफ माइनस आई इज इक्वल टू 2n पाई आई और माइनस का पाई बाई टू आई, और इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ माइनस आई इज इक्वल टू 1 बाई टू कॉमन ले लेंगे, तो 4n माइनस 1 पाई आई हमने कॉमन ले लिया, देखिए यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आंसर देख लेते हैं, वीडियो में दिख रहा है ये एकदम क्लियर दिखना चाहिए, यस राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 3, और आंसर नंबर 3 के बाद हमें आंसर नंबर 4 हमें निकालना है, तो इसको मैं निकाल दूंगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको समझ में क्या है, लॉग आई, आई को हम क्या लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ई टू द पावर आई पाई बाई टू, ये आपको याद रखना होगा, यूलर्स थ्योरम को मैं रेफर कर रहा हूँ, राइट। देखिए इसको हमें यहाँ निकालना है लॉग, जनरल निकालना है भाई, लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ रूट आई हम लिखेंगे इसको, लॉग ऑफ रूट आई, जनरल निकालना भाई, जनरल बोल दिया, कैपिटल एल लिख दो, रूट है, पहले हमने प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया, 2n पाई आई ऐड कर दिया, राइट, 1 बाई टू बाहर निकाल लेंगे रूट में, लॉग आई प्लस 2n पाई आई, राइट, 1 बाई टू, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू ना e टू द पावर i पाई बाई टू मीन्स लॉग ऑफ e टू द पावर i पाई बाई टू प्लस 2n पाई आई, यहाँ से कितना आ गया i पाई बाई टू, i पाई बाई टू प्लस 2n पाई आई मीन्स 1 बाई फोर पाई आई बाई फोर प्लस 2n पाई आई, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, लॉग ऑफ रूट i इज इक्वल टू, यहाँ से 1 बाई फोर कॉमन आ गया, और ये हो जाएगा हमारा 8n, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 1 और पाई आई मैंने कॉमन ले लिया। ध्यान से देखिए किस प्रकार मैंने सॉल्व किया है, इस प्रकार हमें इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा,
ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।